व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे एंड ऑलवेज बढ़िया रहना। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट 3GB रैम सेंसिटिविटी सेटिंग फॉर वन टैप हेडशॉट। यस गाइस, वन टैप हेडशॉट के लिए आपका सेंसिटिविटी सेटिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज देखो, सेंसिटिविटी सेटिंग की वजह से सब कुछ होता है। आपका मूवमेंट भी इंक्रीज होगा एंड आप वहाँ पे इजिली वन शॉट भी मार पाओगे, सीटअप ग्लूल भी लगा पाओगे फास्ट में एंड आप 360 डिग्री ग्लूल भी लगा पाओगे बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट के साथ। तो देखो गाइस, इस वीडियो में मैंने ऐसे सेंसिटिविटी सेटिंग को क्रिएट किया ना, देखो आप पहले जो सेंसिटिविटी सेटिंग पे खेल रहे थे उसके बाद आप इसको आप मतलब ऐड करना, ठीक है, इस सेंसिटिविटी सेटिंग को यूज करना एंड उसके बाद आपका गेम प्ले लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड यार, आप वन टैप से बात करने लगोगे, सीधा वन टैप से बात करोगे भाई, बॉडी शॉट तो आपसे लगेगा ही नहीं, ठीक है, इस सेंसिटिविटी को देखने के ही बाद। ऐसा नहीं है कि आप बैक कर लोगे या स्किप कर लोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यार, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और तो सबसे पहले अभी हम सेंसिटिविटी सेटिंग पे चलते हैं एंड सेंसिटिविटी सेटिंग पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो ऑप्शन ही ऑप्शन है, मतलब आपके पास जनरल है, रेड डॉट है, 2 स्कोप है, 4 स्कोप है, स्नाइपर स्कोप है एंड लास्ट है आपका फ्री लुक। सो गाइस, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फ्री लुक की बात करते हैं कि इसका क्या वर्क है, इसका क्या साइज रखना है। तो सबसे पहले इसकी वर्क की बात कर लेते हैं। जो इसका वर्क है ना, आप रनिंग करते वक्त इसको अगर मूवमेंट के साथ अगर मिक्स कर दोगे, ठीक है, अगर रनिंग करते वक्त मिक्स करते हो तो वहाँ पर मूवमेंट भी आपका बहुत ज़्यादा आएगा एंड आप रनिंग करते वक्त किसी भी बंदे को ईजिली देख पाओगे। लाइक जंपिंग में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट आता है इसका, वन शॉट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आता है। सो इसका आप वर्क मूवमेंट में यूज़ कर सकते हो एंड इसका जो साइज है वो आप 50 पे रख लेना। एंड उसके बाद हमारा आता है स्नाइपर स्कोप, जो कि इसका भी साइज आप 50 पे रख लेना। स्नाइपर स्कोप का वर्क जान लेते हैं, जो कि आप स्नाइपर स्कोप करके किसी बंदे को मारे तो उसमें स्कोप के अंदर जो मूवमेंट आता है वही इसका मतलब इसका ताल्लुक होता है उसमें, ठीक है। सो इसके आप 50 पे रख लेना, ज़्यादा रखने पर आपका मूवमेंट वहाँ पर काबू नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आप इसे 50 पे रख लेना एंड उसके बाद आता है हमारा 4 स्कोप एंड 2 स्कोप। सो इसका हम वर्क जान लेते हैं, जो कि वर्क इसका बहुत ज़्यादा मतलब उतना वन टैप में तो मतलब इसका मैटर नहीं करता है, बट आपके जितने भी स्कोप गन है, लाइक कोई भी स्कोप गन हो गया, कोई भी 2 स्कोप 4 स्कोप जो भी गन हो गया, ठीक है, एंड उसमें जो हम स्कोप मतलब ऑन करके बंदे को मारते हैं तो वहाँ पे जो मूवमेंट आता है ना उसमें इसका ताल्लुक होता है। बोल सकते हैं ऐसा कि ये मतलब उसमें ही इसका मूवमेंट आता है, ठीक है। तो इसे आप दोनों को 100 कर लेना, इसका जो साइज हो आप 100 कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा मेन चीज़ है जो रेड डॉट, ठीक है, अभी इससे भी मेन जनरल आता है, तो पहले रेड डॉट की बात कर लेते हैं। सो गाइस, रेड डॉट का जो वर्क है ना, वो आपका जो मतलब वन शॉट मारते हो तो वहाँ पर जो रेड एम होता है वही इसका वर्क होता है, मतलब ये वन शॉट में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इसे आप 80 एंड 100 के बीच में रखना, ठीक है, मैं तो बोलूँगा आप 80 पे ही रख लेना, आप 80 पे ही रख लेना, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल, ठीक है, तो जनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार आपके मूवमेंट के लिए, आपके फास्ट ग्लूवॉल के लिए, मतलब हर एक चीज़ के जनरल बहुत ज़्यादा मूवमेंट मतलब यहाँ पे मैटर करता है। सो अभी हम बात करते हैं इसका साइज, तो साइज यहाँ पे आपको रख लेना है पूरा का पूरा 100। यस गाइस, उसमें भी आपका लो डिवाइस है तो यार साइज अगर कम रखोगे तो साइज में बहुत ज़्यादा मतलब आपका मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, अगर हाई रखते हो तो आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। सो आज के लिए इतना यार, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।